मैम स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मेरी प्रॉब्लम थी, एक तो मुझे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, 25 ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? इयर्स, और कोई प्रश्न? और है एक आंखों के पास से काली लाइन स्टार्ट होती है और वो जाके चिन पे जाके खत्म होती है, तो उसको हमारी लैंग्वेज में पिगमेंटेड डिमार्केशन लाइन बोलते हैं। एक वो है, और एक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहता है, और एक डस्ट कॉन्स्टिपेशन। एलर्जी है, और क्या? और जो हाँ जी, और एक फेस पूरा डल रहता है, मतलब काला रहता है, बॉडी का कलर फेयर है एज कम्पेयर टू फेस, पर फेस बहुत ज्यादा काला। अब शादी है तो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना बताएंगे आप। ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, शादी हो जाएगी तो ये सब अपने आप ही अच्छा हो जाना चाहिए। शादी की एक ऐसी खुशी होती है जिसको भी चेहरे पर रौनक ना हो और प्लस डार्क सर्कल हो तो उसको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है, इसकी वजह से होता है। तो शादी की उम्र हो जाए और शादी ना हो तो वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होने लगती है, चाहे कोई माने इसको या ना माने, लेकिन पुरुषों को और महिलाओं को ये रोग शादी लेट होने से और ख्वाहिश बढ़ने से होता है। तो शादी अगर हो रही है तो खुद ही रौनक आ जाती है, लेकिन आपको शादी से पहले रौनक चाहिए तो एक या दो चम्मच इसबगोल की भूसी, भूसी इसबगोल भी कहते हैं, इसबगोल की भूसी भी कहते हैं, गरम दूध में मिक्स कर दें, खूब गरम दूध में, और उसमें अपनी ज़रूरत की शक्कर मीठा कर लें, शक्कर मिला लें, और एक चुटकी गौन चिलगोज़ा मिला दें। गौन चिलगोज़ा असली लेना, नकली ना लेना, नकली बहुत मिलता है। एक चुटकी बस गौन चिलगोज़ा मिला दें और उसमें मिलाकर रोज़ रात को सोते समय आप ये एक गिलास दूध, एक चम्मच या दो चम्मच इसबगोल की भूसी, एक चुटकी गौन चिलगोज़ा मिलाकर, ये दूध जब ठंडा हो जाए तो इसमें शक्कर वगैरह मिलाकर आप खीर की तरह खाएं, खीर जैसा लगता है, खीर से भी अच्छा लगता है। बस काफ़ी है आपकी जुमला परेशानियां जो आपने मुझे बताई, पेट से मुतालिक, डार्क सर्कल और चेहरे की रौनक से मुतालिक। जी, राजेश जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी मैम, जी सर, मम्मी पापा को पैरालाइज है, उम्र कितनी है उनकी 63। और बॉडी के किस पार्ट पे है? ये लेफ्ट लेफ्ट हैंड है। तो बेटा अभी क्या हालत है? वो थोड़ा बहुत चलते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं। ठीक हाँ जी, हाँ जी है। जी, तो बेटा आप लिख रहे हो जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ? जी सर। देखो, एक आता है नमक जैतून, लिख लो नमक जैतून, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना है आपको, ये 100 ग्राम लेके रख लो अलग। एक आता है आपके किचन की एक चीज़ है सोडा, किचन में जो मम्मी यूज़ करती है खाने का सोडा, वो भी 100 ग्राम एक डिबिया में करके अलग रख लो, अलग अलग रखो ही ना। और एक आता है गोंद स्याह, लिख लीजिए, गोंद यानी गम, स्याह मतलब काला, काला गोंद, ये भी नकली बहुत मिलता है, महंगी चीज़ है, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, ये भी 100 ग्राम लेके अलग रख लो। ठीक है, ये गोंद स्याह एक रॉ मटेरियल है, इसे काला गोंद भी कहा जाता है, इसको पाउडर बना के रख लो अलग। आधा ग्राम गोंद स्याह खाएं और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला दें और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला दें। इस पानी से गोंद स्याह आधा ग्राम दिन में 2 बार नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खाना है, और 6-7 महीने तक लगातार खाना है। अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके मरीज को फायदा होना मुमकिन लखनऊ से हैं यासमीन जी, स्वागत है आपका। सॉरी मैम, आफरीन आफरीन जी। जी मैम, माफ जी। कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम।
कैसी मैम आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मेरी फेस का स्किन जो बहुत ऑयली बहुत है, जब सुबह उठते हैं तो लगता तेल तेल सा बस रहता है, और गर्मी में तो पसीना शिद्दत का निकलता है फेस पे। कुछ भी क्रीम लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे लगता है टिकती नहीं है। क्या चीज लगाएं जो हमारी जो ऑयली स्किन है वो थोड़ी सही हो जाए, और मतलब फेस जो है हमारा सही हो जाए? फेस के लिए तो नमक जैतून और जरूरत पड़े तो खाने का सोडा भी ले लें। ये जिस्म में सिर्फ ज़रूरी चर्बी छोड़ता है और स्किन की रिपेयर करता है। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो अलसी के साथ इसे लें, तो स्किन का बड़ा दोस्त है ये। मुझे भी लेना पड़ता है ये, दरअसल मुझे बचपन से मुहासे निकलते थे और इतने मोटे मोटे, और एक ठीक नहीं होता तो दो और निकल जाते थे, तब बुरा लगने लगा। तो जब से ये नुस्खा लिया तो आज बुढ़ा हो गया हूँ तब भी मेरे दाने निकलते हैं। तो खून को साफ करने के लिए, स्किन को साफ करने के लिए मैं ये नुस्खा लेता हूँ, तो नहीं तो मैं आपके सामने आऊँ तो इतना बुरा लगूँ अगर ये नुस्खा न लूँ। दाने दाने इतने मोटे मोटे, उसमें से दबाने से कील निकलती थी, ये वो, तो मैंने ये लेना शुरू कर दिया, मेरा इससे पीछा छूट गया। कभी भी होता है तो मैं ये नुस्खा लेता हूँ, फेस के लिए बहुत अच्छा है। किसी को गॉन मोरिंगा सफ़ेद ज़्यादा सूट करता है, और जिस उम्र में आप होंगे उसमें एक हफ्ते में एक कैल्शियम की टेबलेट ज़रूर लिया करें, बाज़ार से लेकर इस्तेमाल किया करें, उससे भी चेहरा बहुत अच्छा रहता है। पसीना आना कोई बुरी बात नहीं है, पसीने को भी ये कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना इस उम्र में बहुत ज़रूरी है। रामदयाल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते शैलजा जी और हकीम सर जी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जी मैम, जय हिंद, स्वागत है आपका। मेरी एक प्रॉब्लम है सर, मैं 5 साल से डिप्रेशन का शिकार था, तो मेरे जो है ना थोड़ा सा माइंड की दिमाग की नसें सूख गई है, तो उसके लिए कोई ऐसे नुस्खा बताइए सर। उम्र कितनी है आपकी? 48। ठीक है सर। अलसी 1 चम्मच, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, नमक जैतून के पानी मिलाएं, 1 चुटकी नमक जैतून पानी मिलाएं और 1 चम्मच अलसी रोज खा लिया करें, 1 बार या 2 बार, तो आपको दिमाग की नसों में भी फायदा होना मुमकिन है। गाजियाबाद से हैं वैशाली जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हकीम सुलेमान से बात हो सकती है? बात कर लीजिए जी। बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर। हाँ जी सर, मेरी मम्मी जी हैं, उनको थोड़ी दिक्कत है, तो उनको ये है कि उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम है, और अस्थमा की प्रॉब्लम है प्लस जो उनके डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है, उनका पेट कभी साफ नहीं होता है, तो इसलिए और पैर में, हाथ में, पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहता है। एज कितनी है उनकी? एज 46, 50 अराउंड 50। ठीक है मैम। देखिए, अगर किसी को भी बॉडी पेन है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये 50 या 50 प्लस वालों को रहता ही है, और इसके मुस्तकिल फायदे के लिए गौंद, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उसे गौंद स्याह कहते हैं, काला गौंद। लेकिन अब परेशानी ये हो गई कि नकली बहुत मिलने लगा, असली लें, जगह जगह असली नहीं मिलता, नकली मिलता है, और अमेज़ॉन पर भी 15-20 लोग नकली बेच रहे हैं, यूट्यूब पर भी उन्होंने डाल रखा है, तो असली की हमें तमीज़ होगी तब हम असली ले सकते हैं। असली लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी शक्ल शबाह सब देख लें कैसा होता है, तो ये ख़रीद लें, 1/2 ग्राम सुबह, 1/2 ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद पानी से दें, दूध से भी दे सकते हैं, क्योंकि अस्थमा वाला अगर दूध इसका सेवन करता है तो उसको और ज़्यादा अस्थमा होता है, इसलिए अस्थमे वाले को पानी से लेना बेहतर है। अस्थमे का एक घरेलू नुस्खा मैं बता देता हूँ जो आपके पेट को भी बहुत फायदा करेगा। देखिए, 4 चीज़ें हैं आपके, इनको लिख लीजिए, इनका वज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नुस्खा अपने वज़न
अपने औजान पर चलता है, तो 100 ग्राम लिसोड़ा जिसे हम लोग सपिस्तान कहते हैं, 100 ग्राम लिसोड़ा, 100 ग्राम उन्नाब, उन्नाब की गुठली निकाल दें और फेंक दें और बाकी को यूज़ करें, 100 ग्राम लिसोड़ा, 100 ग्राम उन्नाब, 100 ग्राम अलसी, ये तीनों चीज़ें 100 ग्राम, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, बाकी सबको पीस दें। इसमें 30 ग्राम पीपला मूल, जो आपके किचन के गरम मसालों में पीपले कहते हैं हम लोग, या पीपला मूल हिंदी में कहते हैं, 30 ग्राम पीपले मिला के ये पाउडर बना लें, चूर्ण बना लें, एक चम्मच सुबह खाली पेट एक चम्मच खिलाएं इनको, और गर्म पानी या चाय पिला दें, और एक चम्मच रात को सोते वक्त दें, उनकी दवाएं भी चलने दें, और ये लगातार 6-7 महीना खिलाते हैं तो आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन।